बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की वीडियो में हम एक बहुत ही खूबसूरत सा सेक्शन लेकर हाज़िर हुए हैं। उम्मीद करते हैं आप दोस्त इस वीडियो को बाखूबी पसंद करेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आपने कहीं ना कहीं देखा भी होगा कि बटरफ्लाई से जो आज का लोगो चल रहे हैं, उनकी मदद से हमने अपना जो है ना डिज़ाइन बनाना है। तो आप इंशाल्लाह इस डिज़ाइन को मुकम्मल देखें और इंजॉय करें और इसको बनाना सीखें। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप मैं कॉलर पर जो है ना निशान लगाने जा रहा हूँ। आपने ऊपर से एंची टेप नीचे की तरफ लेकर आनी है। अपनी नोक से जब आपकी एंची टेप बता दे कि एक इंच और दो सूत्र का वक्फा हो गया है, तो उधर आपने निशान लगा देना है। ये आप देख सकते हैं, इस तरीके से एक इंच दो सूत्र के करीब आपने निशान लगाना है। एक हो गया, और नीचे से उसी तरफ आप देख सकते हैं कि मैं एक इंची पर निशान लगा रहा हूँ, और वो जो निशान है वो आपने इस तरह से मिला लेना। इसी के साथ फ्रेंड्स, आपने इधर से भी आगे जो है ना एक इंच दो सूत्र का निशान लगाना है इस तरीके से, और फिर इस निशान को भी आपने स्केल की मदद से सीधा जो है ना आपने लगा लेना है। ये आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, सेम एज हमने अपनी फ्रंट पट्टी पर भी इसी तरीके से अपना जो निशान है वो लगाना है। नीचे से आप आधी इंची ठोंकी की तरफ से, या आप ऊपर भी बनाना चाहते हैं इस फ्रंट पट्टी पर, मैं ऊपर की तरफ भी बनाऊंगा और नीचे की तरफ, आप दोनों साइड पर जो है ना आधी आधी इंची या इंची इंची मार्जिन छोड़कर बनाएं। तो फ्रेंड्स, ये देखें, मैंने एक इंची और एक जो है ना इसकी लंबाई रखी है, एक इंची एक सूत्र, और ऊपर वाला जो हमारी लाइन है उसको मैंने दोनों साइड से एक एक जो है ना पॉइंट वो अंदर की तरफ रखा है, और नीचे वाली लाइन का जो है ना वो हमने आधा किया है, और आधा करने के बाद इस तरह से हमने वी की शक्ल में इसको बना लिया है। सेम एज हमने इसी तरह से अपनी जो कॉलर है उसके ऊपर भी इसी तरह से बनानी है। ये देखें फ्रेंड्स, एक इंच और एक सूत्र के करीब मैंने निशान लगाकर इस तरह से डब्बा बनाया है। डब्बा बनाने के बाद फ्रेंड्स, आपने करना क्या है कि ये देखें फ्रेंड्स, एक सूत्र, ये देखें फ्रेंड्स, डब्बा बनाने के बाद हमने इसका नीचे वाला जो हमारी नोक की तरफ लाइन है इसका हमने निप्स कर लेना है, आधा कर लेना है, इसको आधा सेंटर में निशान लगा लिया, और ऊपर वाला जो लाइन है उसकी हमने एक एक सूत्र दोनों साइड से छोड़कर इस तरह से वी की शक्ल में इसको बना लेना है। ये देखें फ्रेंड्स, सेम दोनों आपने इसी तरीके से अपने कॉलर के जो, तो फ्रेंड्स हमारी जो फ्रंट पट्टी है वो वी की शक्ल में आ गई है। तो इसको हमने सिल्की धागा इस्तेमाल करते हुए बटरफ्लाई बनानी है। ये देखें फ्रेंड्स, अब हमने इसका जो नीचे वाला पॉइंट था उससे हमने निडल निकालनी है, और दूसरे पॉइंट किसी भी पॉइंट पर आप जा सकते हैं, इस तरीके से कॉर्नर पर आपने जाना है, और जिस तरफ से आपने अपना ये पॉइंट उठाया था जो आपकी ये सिलाई टैप आई है उसी तरफ से आपने निडल को फिर लेकर जाना है और दूसरी तरफ ले जाना है। ये देखें फ्रेंड्स, इस तरीके से, और ऊपर से आपने छोटे छोटे जो हमारे स्टेप्स हैं उनके ज़रिए नीचे की तरफ आना है। ये देखें, ऊपर से तकरीबन आप आधा सूत्र के करीब जो है ना वो स्टेप लेते हैं और नीचे की तरफ आते हैं, और एक कोशिश आपने करनी है कि जिधर आप, ये देखें मैं इस निडल को इस तरफ लेकर आया हूँ, और अब ये निडल मेरी बैग गई, अब मैंने इसी तरफ ही ये जो मेरी ये वाली साइड बनती है इस साइड से ही मैंने अपनी निडल को इस तरफ दूसरी साइड पर ले जाना है। ये देखें फ्रेंड, इस तरीके से अब इसी तरफ से मैंने ऊपर निकालनी है निडल और दूसरी तरफ ले जानी है। फ्रेंड्स, इसमें कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है, बस ये छोटा सा जो है ना काम है। अगर आप इसको बनाएंगे तो इंशाल्लाह एक दफ़ा बनाएंगे तो आपको बाखूबी समझ आ जाएगी। और ये देखें फ्रेंड्स, किस तरीके से ये बन रही है। ये देखें फ्रेंड्स, ये छोटे छोटे स्टेप्स आप नीचे की तरफ लेकर आएंगे और इंशाल्लाह ये आपकी बटरफ्लाई जो है ना वो बहुत ही खूबसूरत अंदाज में दिखने में भी अच्छी है। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि आजकल जो है हमारा, ये मैंने पहली बात तो बता दूं कि किसी के कहने पर बनाई है,
तो उसके मुताबिक ये आजकल बहुत ऐसा कह लेते हैं कि वायरल हुई हुई है। तो इसको बनाना जो है ना वो आपके साथ शेयर कर दिया गया है। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप इसको बनाएंगे भी और आप इसको समझ भी गए होंगे कि ये किस तरीके से बनती है। तो फ्रेंड्स इसके बाद मैं आप दोस्तों से गुजारिश करता हूँ कि जो दोस्त मेरे चैनल पर नए आए हैं प्लीज़ जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ दिए गए बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि हमारी जो हर रोज़ की अपलोडिंग वीडियो है वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो इस तरह से इसको पीछे की तरफ हमने ये देखे फ्रेंड्स, ये हमारी बटरफ्लाई क्रिएट होगी। इसी तरह फ्रंट पट्टी के ऊपर भी हमने बनानी है और कॉलर की दोनों जो नोके हैं उस पर भी बनानी है। ये देखे फ्रेंड्स हमारा जो बटरफ्लाई का सेक्शन था वो कंप्लीट हो चुका और एक खूबसूरत लुक जो है ना वो आपके सामने है। ये देखे फ्रेंड्स ये हमारे कॉलर पर है। तो इसके बाद फाइनल लुक भी आपको दिखा देते हैं कि फाइनल लुक जो है इसकी किस तरह कैसे लगती है। तो जी फ्रेंड्स ये आप देख सकते हैं कि ये फाइनल लुक जो हमारे कॉलर और फ्रंट पट्टी की बटरफ्लाई से बनने वाला जो डिज़ाइन था वो आपकी आंखों के सामने है। तो उम्मीद करता हूँ आप दोस्तों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए सोने रब दे हवाले।